नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एस्ट्रॉइड वे चट्टाने होती है जो किसी ग्रह की तरह ही सूरज के चक्कर काटती रहती है, लेकिन ये आकार में ग्रहों से काफी छोटी होती है। हमारे सोलर सिस्टम में ज्यादातर एस्ट्रॉइड मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में ही घूमते रहते हैं। इसके अलावा भी ये दूसरे ग्रहों की कक्षा में घूमते रहते हैं और ग्रहों के साथ ही सूरज का चक्कर लगाते हैं। करीब 4.5 अरब साल पहले जब हमारा सोलर सिस्टम बनकर तैयार हो रहा था, तब गैस और धूल के ऐसे बादल जो किसी ग्रह का आकार नहीं ले पाए और पीछे रह गए, तो वे चट्टाने एस्ट्रॉइड में तब्दील हो गई। इसी वजह से इनका आकार भी ग्रहों की तरह गोल नहीं होता। दोस्तों, नासा ने लोगों को चेतावनी दी है कि पृथ्वी पर एक भयानक संकट आने वाला है। पृथ्वी एक बहुत बड़ी महाप्रलय की चपेट में आने वाली है। पृथ्वी के पास से एस्ट्रॉइड का गुजरना यूं तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन 4 जुलाई को जो एस्ट्रॉइड पृथ्वी पर आ रहा है उसे अंतरिक्ष का सबसे खतरनाक एस्ट्रॉइड माना जाता है। यह एस्ट्रॉइड अभी 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रहा है, लेकिन जैसे ही यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में आएगा, इसकी स्पीड 7 किलोमीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 300 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार हो जाएगी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चेताया है कि 250 मीटर का विशाल एस्ट्रॉइड 22,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की कक्षा की ओर आ रहा है। यह एस्ट्रॉइड 4 जुलाई को पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा। नासा इस एस्ट्रॉइड पर वर्ष 2006 से अपनी पैनी बनाए हुए था। यह एस्ट्रॉइड दुबई के बुर्ज खलीफा इमारत के आकार का है। इस एस्ट्रॉइड को वैज्ञानिकों द्वारा 2020 एडी 1 नाम दिया गया है। नासा ने बताया है कि 2020 एडी 1 एस्ट्रॉइड 110 मीटर से लेकर 250 मीटर तक चौड़ा हो सकता है। इस एस्ट्रॉइड की सबसे पहले पहचान 2006 में हुई थी। कुछ इसी तरह का विशाल एस्ट्रॉइड 2020 DM4 मई 2020 में धरती की कक्षा के पास से गुजरा था। यह एस्ट्रॉइड अभी 60 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यात्रा कर रहा है। वैज्ञानिकों के अनुमान के आधार पर एस्ट्रॉइड 4 जुलाई को धरती की कक्षा में पहुंच जाएगा। वैज्ञानिकों ने इस एस्ट्रॉइड को पृथ्वी से टकराने की बेहद कम संभावना जाहिर की है। उनके अनुसार यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी से लाखों किलोमीटर की दूरी से निकल जाएगा, लेकिन अगर अंतरिक्ष में कोई हलचल हो जाती है और एस्ट्रॉइड अपनी दिशा बदल लेता है, तो यह एस्ट्रॉइड आने वाले समय में पृथ्वी को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। क्योंकि एस्ट्रॉइड की वजह से ही पृथ्वी से डायनासोर का विनाश हुआ था और उस समय एक भी डायनासोर जिंदा नहीं बचा था। हाल ही में जून के महीने में भी कई एस्ट्रॉइड पृथ्वी के करीब से निकले थे, लेकिन पृथ्वी के सौभाग्य से ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी से लाखों मील की दूरी से निकल गए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक और कयामत आई है। 4 जुलाई का एस्ट्रॉइड वैज्ञानिकों ने काफी खतरनाक बताया है। नासा ने इस एस्ट्रॉइड को खतरनाक एस्ट्रॉइडों की श्रेणी में रखा है। यह एस्ट्रॉइड हाल ही के दिनों में आने वाले 5 में से 3रा एस्ट्रॉइड है। अनुमान है कि यह एस्ट्रॉइड दुबई के बुर्ज खलीफा इमारत के आकार का हो सकता है। नासा इन दिनों 2000 एस्ट्रॉइड पर नजर रखे हुए जो धरती के लिए खतरा बन सकते हैं। नासा के वैज्ञानिक इस तरह के एस्ट्रॉइड को पृथ्वी के लिए खतरनाक मानते हैं। नासा का सेंट्री सिस्टम ऐसे खतरों पर पहले ही अपनी नजर रखता है। इसमें आने वाले 100 सालों के लिए फिलहाल 22 ऐसे एस्ट्रॉइड है जिनके पृथ्वी से टकराने की थोड़ी बहुत ही संभावना है। दोस्तों, वैसे तो सबसे ज्यादा एस्ट्रॉइड मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने 2020 एडी 1 के नाम के इस एस्ट्रॉइड का आकार लगभग 250 मीटर बताया है, जो कि हमारे सौरमंडल में 22,000 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से घूम रहा है। मतलब कि यह एस्ट्रॉइड 1 सेकंड में जितनी देर में हम पलके भी नहीं झपका पाते, उतनी देर में 60 किलोमीटर का सफर तय कर लेता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी से टकराएगा तो पृथ्वी पर कितनी तबाही मच सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एस्ट्रॉइड अपनी दिशा बदल लेगा और पृथ्वी का विनाश कर देगा, या एस्ट्रॉइड अपनी दिशा के अनुसार सीधे सीधे ही निकल जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको थोड़ा भी कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे खाली लाइक के बटन को दबाकर उसे पूरी तरह से काला कर दीजिए। साथ ही चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर तोड़ दीजिए और चैनल की घंटी बजाना मत भूलना, वरना आप आने वाली वीडियो मिस कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।